लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। कोरोना वैक्सीन बनाने में चीन सबसे आगे। SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, घटाई ब्याज दरें, अब कम होगी आपकी EMI। US का ऐलान, चीन के साथ युद्ध हुआ तो इस देश का देगी साथ अमेरिकी सेना। यूपी में शिक्षकों के लिए आई खुशखबरी, योगी सरकार ने निकाली इतनी भर्ती। विकास दुबे के पोस्टल बॉडीगार्ड शामू वाजपेयी हुआ एनकाउंटर में घायल। दिल्ली मुंबई में भारी बारिश का अनुमान, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, जाने आपके राज्य का हाल। पेट्रोल से इतने पैसे महंगा बिक रहा डीजल, जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल के रेट। दिन भर में शेयर बाजार में रहा उतार चढ़ाव, जानिए क्या चल रहा है शेयर मार्केट में। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 7,19,662 के पार हो चुका है और 20,160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वही 4,49,947 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,43,595 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वही 1,17,97,213 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए। राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा लिए गए उल्लंघनों की जांच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्विटर पर जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया है जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन की इस समय COVID-19 की वैक्सीन बनाने में रेस में सबसे आगे है। चीन की दवा कंपनी साइनोवैक बायोटेक चीन की दूसरी और दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई है जो इस महीने के अंत तक ट्रायल का अंतिम स्टेज पूरा कर लेगी। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक धीमी गति से काम चल रहा है, वहीं चीन ने अपनी सेना, सरकार और निजी कंपनियों को दवा बनाने के काम में जोड़ दिया। इसी समय कोरोना वायरस की वजह से 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। कच्चे तेल में नरमी के बीच बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि अब भी देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल 35 पैसे महंगा है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 80.43 और डीजल 80.78 है। दिल्ली और कोलकाता में डीजल के दाम 25 पैसे जबकि मुंबई में 22 पैसे और चेन्नई में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में स्थिरता है। आपको बता दें कि बीते महीने जून में 22 बार डीजल के दाम में वृद्धि दर्ज की गई और पेट्रोल की कीमत में 21 बार भाव बढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 10 जुलाई को ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम की तैयारी की। इसे लेकर यूनिवर्सिटी बीती 4 जुलाई से इन परीक्षाओं की तैयारी को लेकर मॉक टेस्ट की आयोजित कर रहा है जिसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही है। नीयू की परीक्षाओं को लेकर कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका की है। अभी 8 जुलाई यानी कि कल तक मॉक टेस्ट भी कराई जा रही है लेकिन उसमें भी कई समस्याएं आ रही है। मॉक टेस्ट के दौरान भी छात्र प्रश्न पत्र को डाउनलोड नहीं कर पा रहे और उसे अपलोड करने में भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा पोर्टल पर एक ही ID से 2 जगह साइन इन करके एक ही छात्र के नाम से कई लोग सवाल हल कर सकते हैं। ऐसे में अगर जुलाई में एग्जाम नहीं कराए गए तो फाइनल ईयर के छात्रों की मार्कशीट सितंबर तक उपलब्ध कराना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मुश्किल होगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में स्कूल बंद है। स्कूल बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। बदले हुए माहौल को देखते हुए सरकार ने CBSE के सिलेबस को 30% तक घटाने का निर्णय लिया जिसके बाद CBSE ने नए सत्र 2020-21 का नया करिकुलम छात्रों के लिए जारी कर दिया है। बता दें कि सिलेबस में ये बदलाव सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए किया गया है। बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए पूरे देश में छात्रों के सिलेबस को लेकर चर्चा हो रही थी जिसे लेकर अभिभावकों ने सोशल मीडिया के जरिए सिलेबस को घटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में 2.25 साल से लंबित 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आंसर शीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में दखल देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका में सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। बता दें कि एक ही प्रश्न के बहु विकल्प उत्तर में से एक से ज्यादा विकल्प सही होने से विवाद उठा था। ऐसे प्रश्नों और उत्तरों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी।
SBI ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए लोन की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया। बैंक ने छोटी अवधि की MCLR दरें 0.05% से 0.10% तक घटाने का ऐलान किया। इस फैसले के बाद SBI की दर घटकर 0.65% पर आ गई है। SBI का दावा है कि मौजूदा समय में उनकी MCLR दरें देश में सबसे कम है। नई दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। आपको बता दें कि जून में भी SBI ने ब्याज दरें घटाने का फैसला किया था। 10 जून को SBI की MCLR में 0.25% घटकर 7% पर आ गई। आपको बता दें कि RBI ने 22 मई को रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% कर दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने रेपो और MCLR से जुड़ी अपनी लोन दरें पहले से घटा दी है। लेकिन ये फायदा नए ग्राहकों के साथ साथ सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने अप्रैल 2016 के बाद लोन लिया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खोलने तक स्थगित करने का निर्णय लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने इस बारे में आदेश जारी किए। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के निजी विद्यालयों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर 3 महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी है। सरकार ने मंगलवार को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य के स्कूल मार्च के दूसरे पखवाड़े से ही बंद है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की कुल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। कोरोना वायरस संक्रमण का देश भर में तेजी से फैलाव हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 9 जुलाई को शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले के साथ ही राज्य की कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय, सभी गैर आवश्यक गतिविधियां, समारोह, परिवहन, सभी बाजार, औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि लॉकडाउन में ये ताजा निर्देश कब तक लागू रहेंगे। वही लॉकडाउन का वर्तमान चरण 31 जुलाई तक लागू है। गुजरात, मुंबई और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार को मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सौराष्ट्र कच्छ में मानसून अपने पूरे जोर पर है, जिससे इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में मौसम सुहावना रहा, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी वर्षा हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।